चलो सिक्सटीनथ पे जो फाउंडेशन का पेपर हुआ था उसके डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ डाउट्स हमने संडे के लेक्चर में क्लियर किए हैं जो जूम पे हुआ था आ, लेकिन और कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स को तो वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे तो फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है देखो रेट ऑफ श्रिंकिंग ऑफ एरिया एरिया का श्रिंक होने का रेट दिया है श्रिंक हो रहा है एरिया कम हो रहा है इसलिए वो रेट क्या लेना पड़ेगा माइनस इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया है डी ए बाई डी टी यहाँ पर मैंने क्या किया है माइनस टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिया है ठीक है डी पी बाई डी टी पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है और स्क्वायर का साइड क्या दिया है सिक्सटीन दिया है सब मैंने वहाँ पे लिखा है अब एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा है एरिया क्या रहता है एल स्क्वायर और डी ए अपॉन डी एल डेरीवेटिव लिया तो एल स्क्वायर का डेरीवेटिव क्या आता है एल स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है टू एल तो डी एल राइट को लिया और डी टी से डिवाइड किया तो यहाँ पे ऐसा आता है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू एल डी एल अपॉन डी टी तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था दिया हुआ है वो पुट किया डी ए बाई डी टी माइनस टू टू एल लेंथ दिया था सिक्सटीन डी एल बाई डी टी निकाला तो लेंथ स्क्वेयर का लेंथ चेंज होने का रेट कितना है माइनस वन बाई सिक्सटीन माइनस आया मतलब लेंथ कम हो रहा है अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर का चेंज होने का रेट तो पेरीमीटर कितना है फोर एल है वापस से विथ रिस्पेक्ट टू तो यल डेरिवेटिव लिया डी पी अपॉन डी एल इज इक्वल टू फोर डी एल राइट की तरफ शिफ्ट किया तो डी पी अपन डी टी इज इक्वल टू फोर डी एल अपॉन डी टी आता है डी एल अपॉन डी टी अभी निकाला है वो पुट किया तो पेरीमीटर का चेंज होने का रेट डी पी अपॉन डी टी कितना आता है माइनस वन बाई फोर माइनस का मतलब क्या है पेरीमीटर कम हो रहा है एरिया कम हो रहा है इसका मतलब लेंथ भी कम होगा और पेरीमीटर भी कम होगा ठीक है तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव में अभी देखो क्वेश्चन नंबर फाइव मैंने लाइव लेक्चर में लिया है फिर भी वापस एक बार मैं बोलता हूँ फास्ट में देखो आदमी कहाँ पे है ई सी यह है मैन ए बी है पोल पोल के ऊपर लाइट है लाइट फोर पॉइंट फाइव मीटर हाइट पे है आदमी का हाइट है वन पॉइंट एट तो मैंने नाम डी दिया है जहाँ पे शाडो खत्म होता है तो शाड़ो मैन का कहाँ से कहाँ तक है ई से डी तक E से डी तक मैन का शेडो है देन ए ई क्या है ये मैन और पोल के बीच में डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स पकड़ा है शेडो के शेडो की लेंथ को मैंने वाई पकड़ा है तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आता है मतलब आदमी जब वॉक करेगा राइट right की तरफ आदमी जब राइट right की तरफ जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा एक्स इंक्रीज होगा देर फोर आई हैव रिटन डी एक्स बाई डी टी एज मैन वॉक्स टूवर्ड्स दी राइट ही इंक्रीजेज दी X. Therefore, rate of change of X is equal to walking of the man, walking speed of the man. So, dx upon dt. I have hai 1.2. Dy upon dt. We have to find out rate of rate of lengthening of shadow. Then, triangle DAB. deco in the diagram, DAB and DEC both triangles are similar. Two angles are equal in them. Ninety, ninety, and C D E एंगल C D E एंगल इज सेम इन बोथ ऑफ देम therefore similarity सिमिलरिटी सिमिलरिटी से मैंने क्या लिखा D A अपॉन A B इज इक्वल टू D E अपॉन E C वहाँ पे वैल्यूज पुट किया D A का x plus y A B का 4.5, पॉइंट फाइव का y और E C का 1.8. इसको सॉल्व करके x और y में रिलेशन आया उसका derivative लिया D T से बाद में डिवाइड किया डी टी से डिवाइड करने के बाद डी एक्स अपॉन डी टी जो दिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वो पुट किया तो डीवाई बाई डी टी आता है जीरो पॉइंट एट देन ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमने लाइव लेक्चर में किया था लेकिन और एक बार मैं बोलता हूँ यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोनों फाइव और सिक्स डिफिकल्ट मतलब तुमको इतना हुआ नहीं इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है चलो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कौन है और कौन में फ्लोरेट कितना आ रहा है वन अपॉन एट मीटर क्यूब पर मिनट तो ये फ्लोरेट मतलब रहता डी अपॉन डी रहता है ठीक है थीके. तो हाइट कितना है कौन का एट है और रेडियस कितना है कौन का टू है तो अब कहाँ पे आया है वो कौन फील फील होते आया है जैसे वाटर आएगा कौन में से जो वाटर लेवल है ऊपर ऊपर जाएगा अब वाटर लेवल अब कहाँ पे है टू तो पॉइंट फाइव मीटर पे और बोला है कि क्या फाइंड आउट करो हाइट चेंज होने का रेट फाइंड आउट करो जैसे वाटर ऊपर जाएगा हाइट बढ़ेगा ना तो हाइट बढ़ने का रेट फाइंड आउट करो ऐसा वहाँ पे बोला है ठीक है तो वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला लिखा वन अपॉन्ट थ्री पा आर स्क्वाच और डी वी अपॉन्ट डी एच अभी तो मैं निकाल नहीं सकता क्यों क्योंकि आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है जैसे वाटर लेवल ऊपर जाएगा रेडियस भी चेंज होगा देखो अगर वाटर ऊपर जाता है तो वाटर का रेडियस भी चेंज होगा ना कौन में एंड उसका हाइट भी ऊपर जाएगा वाटर मतलब हाइट भी चेंज होगा तो दोनों वेरिएबल है और दोनों का रिलेशन है दोनों भी वेरिएबल है और दोनों का रिलेशन है तो क्या रिलेशन है वापस से सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी आर बोथ सिमिलर थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा हाउ दे आर सिमिलर तो ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी लाइव लेक्चर में मैंने वैसे बोला था वह क्यों सिमिलर है एंगल वगैरह सेम बता के सब एकदम डिटेल में बताया था तो वहाँ पे मैंने पुट किया ए बी कितना है एच है अभी रैंडमली कहाँ पर भी है वो वाटर लेवल किधर भी है रैंडमली और वहाँ पे वो वाटर लेवल का मैंने ऊपर वाला सरफेस को नाम क्या दिया है बी ई और टू पॉइंट फाइव मीटर पर पक्का है ऐसा नहीं किधर भी बीच में रहेगा तो हाइट कितना है ए बी कितना है एच है बी ई कितना है जस्ट कौन सा भी रेडियस रहेगा आर ए सी लेकिन पक्का पता है पूरा हाइट है ना वो एट है और सी डी कितना है वो फुल रेडियस है वो टू है तो इससे मुझे फाइंड आउट करना इससे मुझे पता चला कि रिलेशन बिटवीन एच एंड आर ठीक है तो अब आर कितना है आर है एच अपॉन फोर तो वो ऊपर वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था उसमें मैंने आर सब्सिट्यूट किया और नीचे थोड़ा चेंज किया देखो वन अपॉन थ्री पाए एच अपॉन फोर मतलब वो आर स्क्वायर था इन टू एच उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है वन अपॉन फोर्टी एट पाई एच क्यूब ठीक है अब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया इसका मैंने डेरिवेटिव लिया डी वी अपॉन डी एच तो वो कितना आया पाई अपॉन फोर्टी एट और एच क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया थ्री एच स्क्वायर तो डी एच राइट की तरफ शिफ्ट किया और डी टी से डिवाइड किया और फिर वैल्यू पुट करने का क्या वैल्यू पुट करने का वहाँ पे मैंने लिखा है वीडियो पॉज करके देखो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो क्या किया है सिलेंडर है और सिलेंडर का रेडियस है आर रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीजिंग जो भी इंक्रीज होता है दैट रेट वी शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड हाइट इज डिक्रीजिंग देयर फॉर दैट वी शुड कंसिडर्ड एज नेगेटिव राइट तो डी आर अपॉन डीटी थ्री एंड डी एच अपॉन डी टीज माइनस बिकॉज हाइट इज डिक्रीजिंग देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वॉट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेर एच अगर यहाँ पे वीडियो में तुमको मेरा स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम करो वो रहता है यूट्यूब में नीचे ठीक है थोड़ा ये डाउट्स है तुम्हारे और तुम्हें ऑलरेडी तुम लोगों ने सॉल्व किया इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ तो वो नीचे जाके स्पीड कम करो या फिर रिपीट देखो या फिर पॉज कर पॉज पॉज करके देखो ठीक है चलो तो वॉल्यूम दिया है पाय आर स्क्वेयर एच यहाँ पर थोड़ा डेरीविटिव अलग तरीके से लेना पड़ता है ये तुमको मैंने टीच नहीं किया लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दो ठीक है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो ये कभी कभी यूजफुल होता है फिजिक्स में तो डी वी बाई डी टी अगर वेरिएबल है ही नहीं उसमें वेरिएबल है ही नहीं आर भी वेरी विथ रिस्पेक्ट टू आर भी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एच मैं एक अलग ही डेरीवे पैरामीटर के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहा हूँ टाइम तो डी वी अपन डी टी करना है तो क्या तो कौन कौन वेरिएबल है यहाँ पे आर भी बदल रहा है बढ़ बढ़ रहा है ना और एच भी बदल रहा है छोटा हो रहा है और उनका कुछ रिलेशन है ही नहीं तो यहाँ पे आर और एच दोनों वेरिएबल है तो दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और यच का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में यूज़ कर रहा हूँ तो पाए इंटू यच को ऐसे पाए तो ही वैसे यच को मैंने ऐसे ही रखा है और आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आता है टू आर लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव नहीं चल रहा ना डेरिवेटिव क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है इसलिए मैं क्या लेता हूँ वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है वहाँ पे डी आर अपॉन डी टी ये अभी याद रखो ये नया आया ना डी आर अपॉन डी टी एक एक्स्ट्रा टर्म आता है ठीक है आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव नॉर्मली टू आर ही आता था लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा क्योंकि आर वेरिएबल है और डेरिवेटिव चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं चल रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है तो एक एक्स्ट्रा आता है डी आर अपॉन डी टी अब नेक्स्ट केस में क्या पकड़ता हूँ मैं पाए आर स्क्वेयर को कॉन्स्ट पाए को पाए तो कॉन्स्टेंट ही है आर स्क्वेयर को वैसे ही रखा और एच का डेरिवेटिव तो एच का डेरिवेटिव विध रिस्पेक्ट टू तो एच कितना आएगा वन तो वन आता है लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू तो एच नहीं चल रहा ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम चल रहा है तो एक, एक एक्स्ट्रा टर्म आता डी है, एच है अपॉन डी टी ठीक है तो अभी क्या किया वहां पे मैंने जो भी वैल्यूज है वो पुट किया एच का वैल्यू सिक्स दिया है आर का वैल्यू फोर दिया है डी आर बाई डी प्लस थ्री दिया है डी एच बाई डी टी माइनस फोर दिया है फिर एटी आंसर आता है एटी पाई ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर एट देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया है फंक्शन कुछ तो दिया है अब पूछा है इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ठीक है तो एफ दिया है मैंने उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा कुछ तो आया थ्री एक्स स्क्वायेर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन थ्री बाहर लिया थोड़ा बहुत अंदर एडजस्टमेंट किया है देखो मैथ्स ही है कुछ डिफिकल्ट नहीं है प्लस फाइव है ना प्लस फाइव को मैंने फोर प्लस वन लिखा है तो एक्स स्क्वायेर माइनस फोर एक्स प्लस फोर को मैंने स्क्वायर में लिखा है एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन ठीक है ना जो वन था वही नीचे आ गया देखो कुछ सिंपल सिंपल है तुम अभी पॉज करके देखो इसको तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो थ्री से अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री ऐसा आ जाएगा चलो पॉज करके देखो क्लियरली क्या क्या किया मैंने ठीक है तो अब देखो क्या ये जो डेरिवेटिव आया ये जो डेरिवेटिव में फर्स्ट टर्म है वो जो वो वाला थ्री इंटू समथिंग स्क्वायर यहाँ पे थ्री इंटू समथिंग स्क्वायर है ना एक्स माइनस टू का स्क्वायर तो वो स्क्वेयर कम से कम कितना हो सकता है स्क्वेयर ही है तो कम से कम मिनिमम इट कैन बी जीरो इट कैन नॉट बी निगेटिव सो इवन इफ इट बिकम्स मिनिमम इवन इफ दिस स्क्वेयर टर्म बिकम्स मिनिमम देन आल्सो डेरिवेटिव इज थ्री कम से कम डेरिवेटिव कितना आएगा तीन तो आएगा ही ना तीन प्लस ये वाला टर्म है डेरिवेटिव कितना है फंक्शन का थ्री प्लस ये वाला थ्री इधर का और ये थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर अब एक्स माइनस टू का स्क्वायर कम से कम जीरो हो तो होगा निगेटिव तो नहीं होगा मतलब डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बोलो डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू थ्री आएगा मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज थ्री वाई बिकॉज एक्स माइनस टू का मिनिमम वैल्यू जीरो है उससे नीचे तो वो जाएगा नहीं स्क्वायर है ना तो स्क्वायर तो कम से कम ज़ीरो रहेगा तो बचा क्या उधर थ्री सपोज ये जीरो भी हो गया तो भी तीन तो बचता है मतलब मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव का कितना है तीन मतलब हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव है डेरिवेटिव मतलब क्या रहता है स्लोप स्लोप पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ने वाला है स्लोप इज पॉजिटिव देर फॉर वॉट ग्राफ इज गोइंग इन अपोर्ड डायरेक्शन देखो यहाँ पे ग्राफ में समझाया मैंने पॉइंट ए पे ग्राफ नीचे आ रहा है तो वहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा निगेटिव आएगा डेरिवेटिव मतलब क्या वहां पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप डेरिवेटिव मतलब वहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो वहाँ पे ए पे टेंजेंट है उसका स्लोप तो नेगेटिव है क्योंकि वो नीचे आ रहा है टेंजेंट और बी का टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है मतलब वहाँ पे ग्राफ देखो ऊपर चढ़ रहा है बी पे तो यहाँ पे अपना डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है हमेशा ग्राफ ऊपर जाएगा मतलब ये हमेशा फंक्शन बढ़ता ही जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो क्वेश्चन नंबर नाइन का भी आंसर इसी में है क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसका मतलब रहता है फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग और डेरेवेटिव जीरो मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट ठीक है चलो बाय